दोस्तों आप लोगों ने तो बाजार के झाल मुड़ी खाए ही होंगे, तो चलिए आज हम लोग घर में बनाएंगे झाल मुड़ी को, वो भी पूरे हाइजेनिक तरीके से। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए झाल मुढ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 2 कप मुढ़ी लिया है, इसे कहीं कहीं फरही भी बोलते हैं। इसमें डालने के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज जिसको चॉप काट लिए हैं, थोड़े से चने और मटर के दाने को मैंने बॉईल करके ले लिया है, 1 बॉईल आलू को मैंने कट करके ले लिया है, थोड़े से रोस्टेड बादाम लिए हैं मैंने, थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरी मिर्च मैंने लिया है, टमाटर और नींबू भी ले लिए हैं, और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा चनाचूर और थोड़ा सा भुजिया। और मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब एक बॉल में मुढ़ी को लेंगे और बारी बारी करके सारे सामग्री को इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ मसाले और नमक को भी डाल देंगे और लास्ट में जाएंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, और इसके साथ जाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इसको अच्छे तरह मिला लेंगे। अब ये अच्छे तरह मिल गए हैं, अब ये झाल मुढ़ी बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा भुजिया और लेमन रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।